आपने अखबारों में पढ़ा होगा या टीवी पर, अन्य चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि सरकार परीक्षा लेने की तैयारी जोर शोर से कर रही है और उसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोग के साथ शिक्षा विभाग में आयोजित है सोमवार को ही 29 तारीख को। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। सवाल यह है, इस बात को आप समझ रहे होंगे, आप सब पढ़े लिखे हैं, MA, CA, MA, MCOM, डीलिट, PhD, बहुत अनुभवी हैं, बहुत दिनों से पढ़ा लिखा रहे हैं। और दूसरा भी आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत एक विकास आयुक्त का पद होता है जिसके नियंत्रण में प्रशासनिक विभाग पद वर्ग की स्वीकृति करता है राज्य के प्रत्येक विभाग से। उसमें जो सरकार का प्रस्ताव था वह था जो उत्क्रमित जो प्राथमिक, मध्य से माध्यमिक, माध्यमिक से प्लस टू हुए हैं उसके लिए ही पदों का सृजन 1,78,000 हुआ है। बाकी जो सरकार गुमराह करती है कि पुराने शिक्षकों को भी हम कहते हैं परीक्षा दीजिए और राजकर्मी का दर्जा देंगे, कहाँ सरकार कह रही है कि आप परीक्षा दीजिए, आपके संबंध में अलग से विचार करेंगे। जब सरकार ने विचार ही नहीं किया है आपके लिए तो आप धरफड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्यों कानाफूसी कर रहे हैं, एक दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं, कोई कंप्यूटर साइंस के टीचर है वो क्यों किताब खरीद रहे हैं, इधर उधर क्यों दौड़ धूप कर रहे हैं, सिलेबस में क्या क्या छोड़ दिया, क्या इससे क्या माथापच्ची करने की ज़रूरत है। मान लीजिए सभी पुराने शिक्षक 4.25 लाख परीक्षा में बैठ जाए तो उसका पद ही नहीं है। सरकार तो हम जो रोजगार प्राप्त शिक्षक हैं उसको बेरोजगार करने की साजिश की है और अभी तक उसका विज्ञापन नहीं निकला है। आज तक जितने भी विभाग का विज्ञापन आप पढ़ते होंगे भिन्न भिन्न अखबारों में या आप निकालते होंगे नेट से, उसमें लिखा रहता है आवेदन देने की अंतिम तारीख 1/18, यानी क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए इस पद के लिए वो लिखा रहता है, उसमें परीक्षा की तिथि कहाँ लिखा रहती है। इसके लिए जो व्यवस्था सरकार करती है कि कितने आवेदकों ने आवेदन किया है उसकी संख्या के आधार पर कितने परीक्षा केंद्र हमारे निर्धारित होंगे, एक चरण में लेंगे, दो चरण में लेंगे, उसी संख्या बल के आधार पर व्यवस्था की जाती है। आपको इस अध्यापक नियमावली 2023 का अध्ययन करना चाहिए। इसमें जो कंडिका 7 है और कंडिका 8 है उसको फिर से एक बार पढ़िए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप कंडिका 7 में जो नियुक्ति की प्रक्रिया उपबंधित है आप भी पात्र होंगे, लेकिन पंचायती राज में कार्यरत शिक्षकों के लिए सरकार अलग से नियम बनाएगी। आज तारीख 27 बीत रही है, यानी 3-4 दिन के बाद महीने का अंत होगा। कंडिका 8 को अभी तक सरकार ने स्पष्ट ही नहीं किया है, इसलिए आप जल्दीबाजी में कोई फैसला शायद नहीं लेंगे, क्योंकि आप में इतना विवेक है, इतना ज्ञान है और लगातार संघर्ष करते रहने का भी अनुभव आपको प्राप्त है। लेकिन अभी तक तो न विज्ञापन निकला है और इस सरकार का जो आयोग है उसने एक शेड्यूल जारी किया है, उसको भी आपने देखा होगा। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के पहले सरकार की नियत ही नियुक्ति की नहीं है, ये साफ साफ दिमाग में बैठा लीजिए। और 2024 जो ही प्रारंभ होगा तो महीना दो महीना बीतने के साथ लोकसभा के लिए आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, स्वतः नई योजना बंद हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर जो विधानसभा की अधिसूचना अधिसूचित होगी उसमें बहाली की कुछ उम्मीद की जा सकती है। कुछ हड़ताल संघर्ष धरना प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है, अब शिक्षकों के लिए न्याय देने वाली सरकार आ गई और बिना कुछ कहे वेतनमान भी हमको साथ में वेतन आयोग की अनुशंसा के मुताबिक मिल जाएगा और
जो भी विसंगतियां हैं पिछले वेतनमान की, सारी विसंगतियां दूर हो जाएगी। विसंगतियों के संबंध में सारा प्रस्ताव फेंक दिया रद्दी की टोकरी में वित्त विभाग, और वहां माननीय विजय बाबू पूर्व शिक्षा मंत्री बैठे हुए, कहीं कोई मानी ऐसी बात ही नहीं हो रही है कि पिछली विसंगतियों को भी दूर कर दें। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, और आपकी सरकार पर जो कलंक लग रहा है उसको दूर करने के लिए भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ तमाम शिक्षकों से अपील करता है, आह्वान करता है कि हम लड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे, अनुशासनबद्ध होकर के लड़ेंगे, और नेतृत्व की भूख को मिटा करके लड़ेंगे, क्योंकि यह सामान्य हित है। एक ही मांग है ये राज्य सरकार से, एकमात्र मांग हमारी है तमाम शिक्षकों को सरकारी वेतनमान और सरकारी दर्जा दो, एकमात्र है मांग हमारी सभी शिक्षक को करो सरकारी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी तक के किए गए संघर्ष के लिए बधाई, धन्यवाद, और आपके जज्बा को सलाम करते हैं। आने वाले संघर्ष की तैयारी में एकताबद्ध होकर के जुटेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।